फ्रेंड्स, भारत गणराज्य की 15वीं देश की प्रथम आदिवासी महिला श्रीमती द्रौपदी जी मुर्मू को भारत की राष्ट्रपति बनने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हम द्रौपदी मुर्मू जी का एक रंगोली पोर्ट्रेट निकालने वाले हैं। निकालते उनकी कुछ जानकारी भी शेयर करते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव जीतने पर द्रौपदी ओडिशा से देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाली पहली शख्सियत है। ओडिशा के मयूरगंज जिले के बैदपोसी गांव में 20 जून 1958 को जन्मी द्रौपदी जी मुर्मू जी आदिवासी जातीय समूह संथाल से संबंध रखती है। उनके पिता का नाम बिरांची नारायण टुडू है। उनका विवाह श्यामाचरण मुर्मू से हुआ था। द्रौपदी जी अपने पति और दो बेटों को खो चुकी है। उनकी एक बेटी जिसका नाम इतिश्री मुर्मू है, उनका बचपन बेहद अभाव और गरीबों में बीता था, लेकिन अपनी परिस्थिति को उन्होंने अपनी मेहनत के आड़े नहीं आने दिया और भुवनेश्वर में रमा देवी विमेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी की। द्रौपदी मुर्मू ने अपनी बेटी के लिए एक शिक्षक के रूप में कार्य शुरू किया था। राजनीति में आने से पहले मुर्मू ने एक शिक्षक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 1979 से लेकर 1983 तक सिंचाई और बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट के रूप में भी कार्य किया था।
बाद 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया। इसके साथ ही उन्होंने 2015 से लेकर 2021 तक राज्य के गवर्नर के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। यही वह पहली श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हमारी देश की दूसरी महिला और पहली